से स्वागत है आपका न्यूज इन मिरर में और मैं हूं आपके साथ निशात्री। पुंछ के बाटादूड़िया में जो हमला हुआ था उसके चलते एक अहम चश्मदीद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुंछ में हमलावर जो है वो गिरफ्तार हो गया है और उससे ये बताया जा रहा है कि जो हमला करने वाले थे वो जम्मू की बात करें, उस एरिया में बात करें तो 2 महीने पहले ही आ चुके थे। 2 महीने पहले ही उन्होंने रैकी करना शुरू कर दी थी और मौका देखते ही उन्होंने हमला कर दिया। उस हमलावर को और पनाह देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। उसने अपने घर पर उसको ना ही पनाह दी बल्कि आतंकवादियों का पूरा पूरा साथ दिया इस हमले को करवाने में। आपको ये बताना चाहूंगी कि ये काफी अफसोस की बात है कि जब मैंने पहले ये कहा था कि अपने ही होंगे इसमें गद्दार, और लगभग ऐसे में 60 के करीब करीब संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनसे पूछताछ की जा रही थी। और ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो ऐसे आतंकवादियों का साथ देते हैं और अपने ही जवानों को शहीद करवाते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि ये भी गद्दार है। जो गद्दारों का साथ देते हैं वो भी गद्दार ही होते हैं। और आपको ये बताते चले कि एक बड़ी पुलिस को इसमें या सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिली है, जो आतंकवादियों को पनाह देने के लिए, उनका साथ देने के लिए जो व्यक्ति था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये भी उससे पता चला है कि ये पहले से ही इस क्षेत्र की रेकी करके रखी ही थी और पूरा प्लान बनाया था कि कब यहां से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी, कोई भी गाड़ी निकलेगी तो किस तरीके से उन्होंने इसको हमले को अंजाम देना है, और वही पूरा उन्होंने किया। मौसम उस दिन खराब था, विजिबिलिटी भी नहीं थी और कम थी, और पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि ये आसमानी बिजली गिली है, फिर किसी को ये समझते नहीं लगा, फिर ये लगा कि बस में एकाएक हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है। लेकिन उसके बाद ये साफ पता चल गया कि आतंकवादी हमला है। पहले बुलेट्स चलाई गई थी, उसके बाद स्टिकी बॉम्ब जो था बताया जा रहा है इस तरीके का कोई ग्रेनेड था जिसे उस बस पर दागा गया था, जिसके बाद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, 5 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहीद हो गए। आपको ये भी बताते चले कि ये बताया जा रहा था कि इस गांव में लगभग 2 माह पहले वो व्यक्ति पहुंच गया था, वो हमलावर जो थे वो पहुंच गए थे और उसमें साथ दिया नासिर ने। नासिर वही व्यक्ति है जिसके घर पर ही आतंकवादियों ने पनाह ली थी और जिस व्यक्ति ने उन्हें खाना दिया, उन्हें पूरा 2 महीने तक अपने घर में रखा मेहमान बनाकर, और उसके बाद जो है उन्हें पूरा एरिया रैकी करके बताया और ये बताया कि कहां से गाड़ियां निकलेंगी, कैसे इसे हमला करना है, यानी पूरे प्लानिंग में इस नासिर का हाथ था। पुलिस से यही कहेंगे कि इस नासिर को उसका जो सही मकसद है समझाया जाए कि आखिर वो रहता यहां पर है लेकिन गुनगान वहां के क्यों गा रहा है। ये पुलिस तफ्तीश जो है वो जरूर करेगी। लेकिन इस बीच सुरक्षा बलों ने 15 ओवरग्राउंडर जो वर्कर्स थे, OGCWs थे, उनको गिरफ्तार किया था और लगभग इन सबके अलावा 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुछ को तो पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया है क्योंकि जब वो संदिग्ध नहीं थे उनसे कुछ इस तरीके की मालूमात जो इन्वेस्टिगेशन से लिहाज से होती है वो जब नहीं पता चली तो उन सबको छोड़ दिया। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि ये बड़ी पुलिस की जो है कामयाबी हाथ लगी है जहां पे इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिर नाम का ये व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने 2 माह तक आतंकवादियों को अपने घर पे रखा और पूरा हमला करने में इस व्यक्ति ने उन आतंकवादियों का समर्थन भी किया। आपको बताते चले कि इस व्यक्ति ने अपने घर पर उन आतंकवादियों को शरण दी हुई थी। और उसके साथ ही साथ आपको बता दूं कि 15 लोगों के साथ 60 को हिरासत में लिया था, इनमें से कुछ को पूछताछ के बाद छोड़ा भी गया है। उसके साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि वहां पर सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया है कि राजौरी हो या पुंछ हो, इन सब पर जो आतंकवादी है इनकी इस समय जो है धरपकड़ चलने के अभियान जो है वो काफी तेज चलाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हमारे, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है जो कि बॉर्डर्स पर हैं। और ये भी कहा है कि जो भी आतंकवादियों की धरपकड़ हो रही है इसके लिए तलाशी अभियान जो है वो जोरों पर चलाया जाए क्योंकि अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीमा पार से बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो इस तरफ आ चुके हैं। और ऐसे में ये क्या करेंगे क्योंकि आपने देखा ही है कि अभी इन्होंने एक बड़ा हमला किया है जिसमें हमारे फिर से 5 जवान शहीद हो गए हैं। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि कल वीरवार की अगर हम घटना की बात की जाए तो जब 5 जवान शहीद हुए थे उनको गंभीर चोटें भी आई थी, तो इसके चलते जब बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किया इसमें के लिए जो था
वो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है, स्नीफर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि कोई चप्पा चप्पा खगाला जाए और कोई सुरंग, कोई इस तरीके की जो और इनपुट्स हैं पुलिस के बिहाफ से वो इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो की जाए। आपको ये भी बताते चले कि इसके साथ ही साथ जो खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो बड़ा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इसमें आसपास के चप्पा चप्पा, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो आतंकवादी एक नाले के नीचे छुपे हुए थे और जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी आगे निकली है तो उन्होंने पहले गोलियां दागी है। गोलियां दागने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज को मौका ही नहीं लगा संभलने का, उसके बाद एकदम से उन्होंने बम दाग दिया था। और इस समय जो है वो तलाशी अभियान पूरे जंगल में चलाया जा रहा है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र में चलाया जा रहा है, जो नाले हैं आसपास के वहां चलाया जा रहा है और ये पूरी कोशिश जो है ये की जा रही है कि कुछ इनपुट्स मिल सके। इसके लिए सेना के जवान, हमारे एसओजी के जवान, हमारे आर्मी के जवान और सीआरपीएफ के जवान जो है तमाम शामिल है, हमारी एजेंसी जो है वो फिलहाल उस समय तो जो है वो ये इतना बड़ा खतरा नहीं बांध पाई और इतना बड़ा हमला जो है हो गया, लेकिन अभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो पूरी तरीके से इस उम्मीद में है कि एक जो है बड़ी इनको सफलता मिल सकती है। आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि जो पनागार नासिर है जिसने उन आतंकवादियों को पना दी थी, उसने जब ये कबूल कर लिया है कि उसने उनको अपने घर पे रखा था आतंकवादियों, तो ऐसे में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी भी मिलने की उम्मीद है कि जल्दी ही वे उन हमलावरों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने ये हमला किया था और वो ताक जो जितने भी उनसे सबूत या फिर जितनी भी उनसे और बातें गुलवाना चाहते हैं वो गुलवा सकते हैं। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि मेंढर के जो उपजिला मुख्यालय है और उसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनके पास भी कड़े पहरे और कड़े नाके लगाए जा रहे हैं। जो गाड़ियों में लोग जा रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, जो पैदल चल रहे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि कोई भी वो मौका नहीं छोड़ना चाहते सिक्योरिटी फोर्सेस, जिससे हमारी कोई भी इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ना ले पाए। तो ऐसे में उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि पुंछ और राजौरी सेक्टर के दौरे के दौरान उन्होंने देखा है कि जितनी भी पेंडिंग चीजें हैं उनके पूरी तरीके से वो समीक्षा का जो समीक्षा दौरा है उन्होंने किया है और अपने जवानों को उन्होंने अलर्ट कहा है। उन्होंने कहा है कि हर गतिविधि पर नजर रखी जाए, हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए, ना सिर्फ अभी पूंछ राजौरी की बात है, जहां जहां पर भी आतंकवादियों का एक पहरा रहता है, जहां पर वो आते हैं, जहां पर वो रैकी करते हैं, हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेज को अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसी हिदायतें जो है वो लेफ्टिनेंट जो कमांडर है उनकी तरफ से दी गई है। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेज को एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है कि पनाहगार नासिर को पकड़ा गया है और जल्दी ही हमलावरों तक भी पहुंचेंगे। और हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज को हमेशा यही प्रोत्साहित करते हैं और यही कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जैसा कोई नहीं है, हमेशा वो हम आम जनता के लिए अपने नाकों पर पहरों पर रहती है ताकि हम आम जनता जो है वो सुरक्षित रह पाए। तो जय हिंद जरूर लिखिएगा और मुझे दीजिए अपडेट से इजाजत। नमस्कार।